शानदार 68 पारी खेलकर टीम इंडिया को जिताने वाले सुमन गिल यशस्वी जायसवाल के लिए बने दुश्मन। सोशल मीडिया पर गिल सेल्फी से ट्रेंड होने लगा। दोस्तों, भारत बनाम जिम्बाब्वे के बीच T20 वर्ल्ड कप का चौथा मुकाबला खेला गया, जहां पर भारतीय टीम धमाकेदार अंदाज से 10 विकेट से मुकाबला जीत लिया। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बैटिंग किया था, 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 152 रन बनाए थे। जवाब में टीम इंडिया बिना विकेट गवाए यह मुकाबला आसानी से जीत लिया और सीरीज पर भी कब्जा कर लिया। दोस्तों, 5 मैचों की T20 सीरीज में भारतीय टीम 3-1 से आगे है। दोस्तों, इस मैच में शुभमन गिल 58 रन की पारी खेली, वहीं उनके ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 93 रन की नाबाद पारी खेले। यशस्वी जायसवाल शतक बनाने से चूक गए। दोस्तों, शुभमन गिल का 98 मीटर का लंबा छक्का यशस्वी जायसवाल का शतक पूरा नहीं होने दिया। दोस्तों, शुभमन गिल 98 मीटर का लंबा छक्का मारने के बाद ड्रेसिंग रूम में इशारा किया, मुंह बंद करो। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर खड़े यशस्वी जायसवाल काफी ज्यादा निराश दिखाई दिए। शुभमन गिल अपने 8 शतक की ओर करीब में थे, वहीं यशस्वी जायसवाल शतक की ओर बढ़ रहे थे। शुभमन गिल बेनेट के ओवर में 98 मीटर का लंबा छक्का जड़कर अपना 8 शतक पूरा किया। वहीं यशस्वी जायसवाल छक्का मारने के बाद भी 7 रन से चूक गए और शतक नहीं बना पाए। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल का शतक न पूरा होने के बाद सोशल मीडिया पर काफी बवाल उठ चुका है और कहा जा रहा है शुभमन गिल सेल्फिश है। तीसरे T20 मुकाबले में शुभमन गिल 8 शतकीय पारी खेली थी, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 134 का रहा था। वहीं उनके ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 4 पर आकर 28 गेंद पर 49 रन की पारी खेलकर लौटे थे। दूसरा, भारतीय टीम को चौथे T20 मुकाबले में शानदार जीत दिलाने के बाद शुभमन गिल यशस्वी जायसवाल के दुश्मन बन चुके हैं और सोशल मीडिया पर शुभमन गिल सेल्फिश ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। साथ ही क्या अभिषेक शर्मा के साथ भी ना इंसाफी हो रही है, इस पर भी अपना राय जरूर दें।